हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपी पीसीएस कैप्सूल में। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम घटनाचक्र पब्लिकेशन की आर्थिकी 2023-24 को ही कंटिन्यू करते हुए हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात करेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन आया था और इस साल भी इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट से हर साल यूपी पीसीएस में कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स एक तरीके से प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसको हम टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे, तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली भारत वन स्थिति रिपोर्ट कब आई थी? आपकी 1987 में आई थी, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये भी स्टार्टिंग में पूछा जा सकता है कि पहली भारत वन स्थिति रिपोर्ट कब आई थी? आपकी 1987 में आई थी। अभी जो हम रिपोर्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ये 2022 में आई थी, लेकिन इसका नाम क्या है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, और यह 17th एडिशन है इस रिपोर्ट का। चलिए अगला बात करते हैं। ISFR 2021 के महत्वपूर्ण निष्कर्ष, ये जो रिपोर्ट है इसका कुछ मेन कंक्लूजन्स है, उनको भी जान लेते हैं। क्या है वो कंक्लूजन्स? पहला है, देश में कुल वनावरण कितना है? 71.38 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 21.71%। पहली चीज, देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण मतलब फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है? 80.95 मिलियन हेक्टेयर, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24.62% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। देश में कुल वृक्षावरण मतलब ट्री कवर कितना है? लगभग 9.57 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है, ठीक है। तो 21.71 + 2.91 तो आपको 24.62 हो जाएगा। तो यही जो डेटा है, ये ज्यादा सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है, तो हमारा 24.62 है। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए केवल वनावरण बताओ, तो 21.71 है, और पूछ लिया जाए कि केवल वृक्षावरण बताओ, तो आपका 2.91% है, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी क्या है? ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में पहाड़ी एवं जनजाति जिलों में वनावरण ने क्रमशः 902 वर्ग किलोमीटर एवं 55 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज करी गई है। कहने का क्या मतलब है? जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें जो वनावरण है उसमें कमी आई है लगभग 902 वर्ग किलोमीटर की। उसी तरह जनजाति जो शेड्यूल ट्राइब्स जहां पर रहती हैं, ऐसे जिलों में 55 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। एक कंक्लूजन ये भी है इस रिपोर्ट का कि पहाड़ी एवं जनजाति जिलों में जो वनावरण है उसमें कमी आई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में जो देश के कुल वनावरण में लगभग 1/4 का योगदान करते हैं। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर पूर्वी राज्य का देश के कुल वनावरण में कितना प्रतिशत योगदान है, तो 1/4 है या 25% है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। पहली चीज तो ये हो गई। तो अभी आगे क्या लिखा है कि विगत आकलन की तुलना में 1020 वर्ग किलोमीटर के वनावरण की कमी दर्ज हुई है। तो आपके नॉर्थ ईस्ट में भी जो वन है उनमें कमी दर्ज की गई है, ठीक है। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में देश में मैंग्रोव आवरण मतलब मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर मतलब 0.34% की वृद्धि हुई है। तो आपका जो मैंग्रोव कवर है वो बढ़ा है, ये एक फैक्ट हमको याद करना है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? ISFR 2021 में ISFR 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में तथा सर्वाधिक कमी अरुणाचल प्रदेश में हुई है। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? लास्ट ईयर यूपी पीसीएस में यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। यूपी पीसीएस 2022 में ये क्वेश्चन आया था आपका कि किस स्टेट में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो ISFR 2021 में ISFR 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि आपकी आंध्र प्रदेश में हुई है, और सर्वाधिक कमी, सबसे ज्यादा कमी कहाँ हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुई है। पहले चीज तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। फिर है, अब कुछ डेटा और है जो हमें याद करना है, जो पूछा जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन है? सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, फिर है अरुणाचल प्रदेश में, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा, और नंबर 5 पे है महाराष्ट्र, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हमारा अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से
सर्वाधिक वनावरण वाले पांच संघीय क्षेत्र कौन है, यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहा है। तो यूटीज की बात की जाए तो सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर, ठीक है, सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर वनावरण के मामले में, सर्वाधिक वनावरण के मामले में। इसके बाद है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसके बाद है लद्दाख, फिर दादरा एवं नगर हवेली, और फिर है दिल्ली। ठीक है, यदि हम बात करें सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले पांच राज्य और संघीय क्षेत्र, तो उसमें सबसे ऊपर कौन है, लक्षद्वीप है, लगभग 90% इनका केवल वनावरण है। मिजोरम में लगभग 84% है, अंडमान और निकोबार में 81% है, अरुणाचल प्रदेश में 79% है, और मेघालय में 76% है। यहाँ पर राज्य और संघीय क्षेत्र मतलब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों को इंक्लूड किया हो गया है। ठीक है, फिर है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले भारत के पांच राज्यों की बात की जाए तो सबसे ऊपर है मिजोरम, ठीक है, इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, तो सबसे ज्यादा किसमें है, मिजोरम में। फिर न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले पांच राज्य, किन पांच स्टेट में सबसे कम वनावरण है, तो सबसे ऊपर है इसमें हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में सबसे कम है, इसके बाद है पंजाब, इसके बाद है गोवा, फिर है सिक्किम, फिर है बिहार, तो सबसे कम किसमें है, हरियाणा में। न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले भारत के पांच राज्यों की बात की जाए तो सबसे ऊपर हरियाणा, फिर पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ठीक है, वनावरण प्रतिशतता के मामले में भी हरियाणा सबसे ऊपर है, न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता के मामले में हरियाणा ऊपर है। फिर सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले भारत के चार संघीय क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे सर्वाधिक की बात हो रही, तो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में है, फिर अंडमान और निकोबार, जम्मू एवं कश्मीर, और दादरा एवं नगर हवेली। यदि बात की जाए प्रक्षावरण की दृष्टि से ISFR 2021 में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले तीन राज्य, ठीक है, प्रक्षावरण की दृष्टि से ISFR 2021 में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले तीन राज्य कौन से हैं, महाराष्ट्र, इसके बाद यहाँ पे प्रक्षावरण की बात हो रही, केवल वृक्ष की बात हो रही है, इसके बाद है राजस्थान, इसके बाद है मध्य प्रदेश, और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले तीन राज्य प्रक्षावरण के मामले में सिक्किम, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक प्रक्षावरण वाला राज्य कौन सा है, केरल है। संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक वृक्षावरण वाला राज्य कौन सा, आपका यूटी कौन सा है, वो है चंडीगढ़। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वृक्षावरण वाला राज्य कौन सा है, आपका केरल है, उसी तरह यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ है। कुल वृक्षावरण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले तीन राज्य कौन से हैं, हमारा मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, सबसे ज्यादा कौन है, मध्य प्रदेश है। भौगोलिक क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिशतता वाले तीन राज्यों की बात की जाए तो सबसे ऊपर कौन है, मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर मेघालय है। यदि बात की जाए सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित चार राज्य या संघीय क्षेत्र कौन है, तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव सबके पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, फिर गुजरात में, फिर अंडमान और निकोबार में, और सबसे लास्ट में आंध्र प्रदेश है चौथे नंबर पर। ठीक है, सबसे ऊपर कौन है, पश्चिम बंगाल है, तो आप कह सकते हो मैंग्रोव सबसे ज्यादा आपके पश्चिम बंगाल में है, फिर गुजरात में, फिर अंडमान और निकोबार में, और फिर अंत में आंध्र प्रदेश में। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो ISFR 2021 में उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र मतलब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है, 17,384 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 7.22% है, तथा भारत के कुल भौगोलिक वन क्षेत्र का लगभग 2.43% है। यदि बात की जाए कुल वनावरण की, तो उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण कितना है, 14,818 किलोमीटर स्क्वायर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 6.15% है। कुल प्रक्षावरण की बात की जाए तो 7,421 किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3.08% है। यदि बात करें हम कुल वनावरण प्रक्षावरण की, तो 22,239 किलोमीटर का पूरा एरिया है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है, कि सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक वनावरण वाला क्षेत्र कौन सा है, आपका सोनभद्र है, फिर खीरी है, फिर मिर्जापुर है। ठीक है, यदि बात की जाए तो न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, सबसे कम वनावरण कहाँ है, आपके भदोही में है, सबसे ज्यादा कहाँ है, सोनभद्र में है। तो ये दोनों डेटा तो बहुत बेहतर तरीके से याद करना है, न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले भदोही है,
फिर है मऊ, फिर है मैनपुरी। यदि बात की जाए सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत पूछ रहा है यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत कहाँ है? सोनभद्र में है, फिर चंदौली में है, फिर पीलीभीत में है। यदि बात की जाए न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले, तो इसमें भदोही फिर से है, फिर है मैनपुरी, फिर है देवरिया। तो ये पूरा डेटा था, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरह के और भी मैं वीडियोस लेकर आता रहूँगा इस मैगजीन को कवर करने के लिए। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।